मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज 8 जनवरी का गीला और सीला सा दिन, ठंडा सा दिन, और मैं आज एक ऐसे वैज्ञानिक की बात आपके साथ साझी करने आया हूँ जिसने अपने बारे में कहा था, मुझे मरने की जल्दी नहीं है क्योंकि मुझे बहुत से कार्य करने हैं। तो इस वैज्ञानिक का नाम था स्टीफन हॉकिंस। स्टीफन हॉकिंस का जन्म आज ही के दिन 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में हुआ था। मैं इसे आधुनिक विज्ञान के जो पितामह के तौर पे जानता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो विज्ञान को दिया, जिसमें इनकी सबसे बड़ी खोजें जो हैं वो हैं बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल थ्योरी, ये इनकी देन है। और इस वैज्ञानिक के बारे में जो मैं आपके साथ प्रेरणादायक बातचीत करने जा रहा हूँ वो ये है कि हमें अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। क्या आपको पता है कि 50 साल तक स्टीफन हॉकिंस मात्र एक व्हीलचेयर पर बैठे रहे और व्हीलचेयर पर बैठकर उन्होंने ये सारी खोजें की, क्योंकि वो मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी का शिकार थे। अब मोटर न्यूरॉन होता क्या है? मोटर न्यूरॉन है हमारी बॉडी के जो सेल हैं उनमें जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है, उसी के कारण हम पलकें झपकते हैं, हम खाना खाते हैं, हमारी जितनी भी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं वो उसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई के कारण होती हैं। तो मोटर न्यूरॉन सिस्टम अगर किसी व्यक्ति का गड़बड़ा जाए और वो बीमारी का रूप ले ले तो वो व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे अपंग होना शुरू हो जाता है। तो 1963 में जब स्टीफन हॉकिंस एक स्टूडेंट थे तो वो मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो 1972 तक ये जो स्टीफन हॉकिंस थे इनका 90% बॉडी जो थी वो डिस्ट्रॉय, उनका सिस्टम जो था मोटर न्यूरॉन जो सिस्टम जो था वो गड़बड़ा चुका था। 90% उनका जो सिस्टम था वो डेड हो चुका था बॉडी का। तो अब वो व्हीलचेयर पे आए और जो इन्होंने विज्ञान की खोजें की वो मात्र एक व्हीलचेयर के ऊपर बैठकर की, बिग बैंग थ्योरी, ब्लैक होल सिस्टम थ्योरी जो है उसके बारे में उन्होंने जो भी बताया वो व्हीलचेयर पर बैठकर बताया था, क्योंकि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इनकी जो गाल थी सिर्फ उसी की मांसपेशियां जो थी वो कार्य कर रही थी, तो उसके साथ सेंसर लगाकर इनसे जो भी ये कहना चाहते थे वो इन्फॉर्मेशन ली जाती थी। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे स्टीफन हॉकिंस की जो मिट्टी है जिसको हम बॉडी कहते हैं, इसी के साथ चिपकी हुई बीमारी है, तो जैसे जैसे इनकी मिट्टी जो है वो निष्क्रिय होती गई, उनका चैतन्य जो हमारे यहाँ पे होता है वो विराट विराट और विराटतम होता गया, क्योंकि ये चांद और सितारों की दुनिया में खूब भ्रमण करते रहे। तो ये चांद और सितारों की दुनिया का जो भ्रमण उन्होंने किया तो बकायदा उन्होंने विश्व कल्याण के लिए उसकी खबर भी दी पूरी दुनिया को, जिसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि मैं समझता हूं कि वो एक समाधि में थे, ज्ञान योग की बहुत गहरी समाधि में चले गए थे स्टीफन हॉकिंस, और उन्होंने विश्व का कल्याण किया। तो इसमें एक बात और आती है कि कई बार ये होता है कि हम जीवन में किसी भयंकर बीमारी का शिकार हो जाते हैं, हम इतने टूट जाते हैं कि वो बीमारी जो है वो बहुत बलवान हो जाती है, वो बहुत भारी हो जाती है, तो हमारा शरीर उस बीमारी के साथ घिसट घिसट कर चलता है और हमारा अंत बहुत बुरा होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि स्टीफन हॉकिंस जो मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी का शिकार हुए और उनका सारा नर्वस सिस्टम जो डिस्ट्रॉय हुआ, तो उसने बीमारी को इतनी बात बताई जो थी शायद बताई थी कि मैं तुमसे हार मानने वाला नहीं हूं, और मैं समझता हूं बीमारी ने भी सोचा होगा कि पता नहीं मैं किस व्यक्ति के साथ चिपक गई हूं, क्योंकि ये मुझे घिसट घिसट कर आगे ले जा रहा है, मेरा बुरा हाल कर रहा है। जो व्यक्ति, विज्ञान ने कहा था उस समय के डॉक्टर्स ने कहा था कि स्टीफन हॉकिंस 2 या 2.5 साल से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते, लेकिन वो 50 साल उस बीमारी के साथ जीवित रहे।
और उन्होंने जितने भी हमारा ऊपर सौर मंडल है, सौर मंडल से भी पार जो जितने भी चांद सितारे नक्षत्र हैं, उनके बारे में जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया वो ज्ञान अमूल्य है। और ये ज्ञान मैं समझता हूं कि आज ही के दिन गैलीलियो का भी जन्म हुआ था, जिसने कि सबसे पहले दूरबीन की सहायता से हमें बताया था कि एक्चुअली सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, सितारे क्या हैं, इनके बारे में गैलीलियो की दूरबीन जो है वो मशहूर है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो संत हमारे विज्ञान जो है ये कोई नई बात नहीं है, विज्ञान तो चलता आ रहा है अलग अलग रूपों में। हमने अपनी वैदिक सभ्यता में जब विज्ञान की प्रकाष्ठा को छुआ था तो उस समय के जो वैज्ञानिक थे उन्हें हमने ऋषि मुनि या महर्षि कहकर बुलाया था। तो आज मैं आधुनिक युग में भी स्टीफन हॉकिंस को महर्षि स्टीफन हॉकिंस का ही नाम दे सकता हूं, क्योंकि वो बहुत बड़े साधक थे, उन्होंने विश्व कल्याण किया था। क्योंकि विज्ञान की एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि विज्ञान अगर धर्म का रूप लेता है तो हमारे पास सुख सुविधाएं आती हैं। ये बल्ब जल रहा है विज्ञान के कारण जल रहा है। बहुत बड़े धार्मिक होते हैं, मैं समझता हूँ सबसे बड़े धार्मिक अगर कोई होते हैं तो वो वैज्ञानिक होते हैं, जो हमारे जीवन को सुख सुविधाओं से भर देते हैं। कार चलाते हैं, हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। किसके कारण? वैज्ञानिकों के कारण, साइंटिस्ट के कारण। तो कितना बड़ा धर्म निभाते हैं वो दुनिया को सुख सुविधाएं देकर। लेकिन दूसरा पहलू अगर हम देखें तो विज्ञान अगर अधर्म बन जाए तो हिरोशिमा नागासाकी की घटनाएं भी घटती हैं। लेकिन विज्ञान के हम हमेशा ऋणी रहना चाहिए हमें कि जो हमारी हमारे जीवन को सरल सरल और सरलतम, सुखद सुखद और सुखद बनाता चला जा रहा है। और आज स्टीफन हॉकिंस के जन्मदिवस पर हम उस महर्षि स्टीफन हॉकिंस को दिल से जो है वो नमन करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक सबसे बड़े धार्मिक होते हैं, सबसे बड़े संत होते हैं और उनका सबसे बड़ा वंदन होता है। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं।